student based on the class 7th. We are watching our next video of subject math. हमारा second chapter हम लोग देख रहे हैं multiplication and division of integers, जिसमें आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा division of integers. Division of integers में starting में आप लोग को एक number line खींच कर बताई गई है बेटा, जो कि page number 13 पर आप लोग textbook में आप लोग देखेंगे. ये हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्सटबुक है, जिसमें हम लोग को ये नंबर लाइन इस तरह से खींच लेनी है. अब नंबर लाइन खींचने के बाद हम लोग को यहाँ पे एक एक्सिस सीधी लाइन बनानी है. नंबर लाइन हम लोग किसको बोलते हैं, जो अनलिमिटेड मतलब जो जिसका कोई अंत नहीं है उसको हम लोग रेखा यानी कि लाइन बोलते हैं. इसलिए इन एरोज को हम लोग शो करते हैं. एरोज का मतलब ये होता है बेटा कि वो अनंत तक जा रही है, सामने भी और इधर भी, लेफ्ट राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी. तो देखिए बराबर अंतर से मैंने यहाँ पे 1, फिर बराबर अंतर से 2, फिर बराबर अंतर से मैंने 3 ये नंबर लिखे हुए हैं. उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड जो जितने अंतर से मैंने 1 लिखा उतने अंतर से यहाँ पे -1 आ रहा है बेटा, उतने अंतर से -2 -3 -4 इस तरह से नंबर इस तरह से इंक्रीज होते जाएंगे. जितनी लाइन हम लोग बढ़ाते जाएंगे उतने उसके नंबर भी इंक्रीज होते जाएंगे. तो देखिए जैसे यहाँ पे 0 और 1 के बीच में हमने 1.2 लिखा हुआ है ना, 1.2 यानी कि 0.5 ये नंबर इसके बीच में आएगा. 1 एंड 2 के बीच में बेटा 3.2 आएगा है ना, डेढ़. इनका उत्तर अगर हमने फाइंड आउट किया तो 1 एंड हाफ यानी कि डेढ़ उत्तर आता है 1 और 2 के बीच में, ठीक है. फिर 2 और 3 के बीच में 5/2 आएगा है ना, 5/2 यानी कि 2.5 यहाँ पे इसका उत्तर आता है. इसी तरह से यदि हम लोग 0 और -1 के बीच में यदि देखें तो यहाँ पे -1/2 आएगा, -1 एंड -2 के बीच में -3/2 आएगा और -2 और -3 के बीच में -5/2 आने वाला है. अब यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं ब्रैकेट में -1/2 और 1/2, ठीक है, -3/2 और -3/2 एंड -3/2 ब्रैकेट -5/2 और 5/2, मतलब समान अंतर पे जीरो के बाद जितने हम लोग को नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं उनको अलग अलग तरीके से एक साथ ब्रैकेट में लिख कर रखा गया है बेटा. तो ये सब म्यूचुअली अपोजिट नंबर है. क्या है ये अपोजिट नंबर, मतलब एक 1/2 का -1/2, 3/2 का -3/2, 5/2 का -5/2, ये सब अपोजिट नंबर है. अब इनको यदि प्लस किया जाए तो हर एक का आंसर कितना आता है, जीरो. तो दैट इज 1/2 प्लस -1/2 इज इक्वल टू जीरो, 3/2 प्लस -3/2 इज इक्वल टू जीरो, -5/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू जीरो. मतलब आगे पीछे कैसे भी लिखे है ना, सिंपल. जैसे कि मैं आप लोग को बताना चाहूंगा यहाँ पे -1 प्लस 1 अगर किया हम लोगों ने तो आपका उत्तर जीरो आएगा है ना, -2 प्लस 2 आएगा अगर किया तो भी जीरो, 2 प्लस -2 किया तो भी आपका उत्तर जीरो ही आता है. तो जब भी कोई भी म्यूचुअली अपोजिट इंटीजर हम लोग लेंगे उनकी सम जो होती है वो हमेशा जीरो ही आती है. अब हम लोग देखिए बेटा यहाँ पे कुछ नंबर आप लोग को यहाँ पे दिए गए, 7/-2 इज इक्वल टू -7/2, -13/-2 इज इक्वल टू -13/2, -18/-3 इज इक्वल टू -18/3, -25/-4 इज इक्वल टू -25/4, -11/3 इज इक्वल टू -11/3. ये नंबर आप लोग को क्या बता रहे है ना, ये देखिए बेटा जब हम लोग पॉजिटिव इंटीजर नंबर को निगेटिव इंटीजर नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका उत्तर निगेटिव इंटीजर बाय पॉजिटिव इंटीजर भी आ सकता है. यदि हम लोग निगेटिव इंटीजर वैल्यू को निगेटिव इंटीजर से ही डिवाइड करते हैं तो आपका उत्तर पॉजिटिव इंटीजर आता है. और ये बाकी सभी आंसर में वही चीज दोहराई गई है, निगेटिव इंटीजर को हम लोग निगेटिव इंटीजर से ही डिवाइड कर रहे तो हमारा आंसर पॉजिटिव इंटीजर आता है. तो यहाँ पे कुछ रूल्स बताए गए, रूल्स ऑफ डिविजन है ना. तो वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो, कभी भी कोई नंबर को कोई भी नंबर को यहाँ से जैसे 7 डिवाइड बाय 0 अगर करेंगे तो इसका आंसर जो होता है ना इंफिनिटी आता है, मतलब बहुत दूर तक उसका आंसर ही आता रहेगा, हम लोग को पता भी नहीं रहेगा कि इसका आंसर क्या है. तो किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, ये पहला रूल है डिविजन का. दूसरा बेटा द क्वोशेंट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव नंबर, मतलब कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स मैं यदि लेता हूँ जैसे कि 4 और 2 बहुत आसान और परिचित नंबर है, 4 को 2 से भाग देना है तो क्वोशेंट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इंटीजर, मतलब 4 को यदि 2 से भाग दिया तो यहाँ पे जो आंसर आता है ना 2 × 4 तो 4 में से 4 गया 0, तो ये हो गया उसका क्वोशेंट है ना. क्वोशेंट यानी कि जो आंसर आता है उसको हम लोग क्वोशेंट बोलते हैं.
तो 4/2 को यदि हम लोग दो पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड किया गया तो उसका आंसर जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे, द क्वेश्चन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव नंबर। मान लो कि -4/-2 किया, तो जैसे यहाँ पे -13/2 को अगर हमने डिवाइड किया तो आपका आंसर यहाँ पे पॉजिटिव में आया हुआ है ना, तो वैसे यहाँ पे -4/-2 किया तो आपका उत्तर वहां पे भी क्या आएगा बेटा, माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और तो +4-4=0, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि दूसरे नंबर्स में भी नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर नेगेटिव आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आंसर आएगा 2 आएगा। और फोर्थ एंड लास्ट, द क्वेश्चन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर। मान लो कि अगर हम लोगों ने -4/2 किया तो -4 को 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे भी प्लस ही चिन्ह आएगा, 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे भाग जो जाने वाला है वो कौन सी संख्या का जाएगा बेटा, -2 का, 2 -2 = -4। तो इस तरह से आपका आंसर 0 आएगा, यानी कि आपको इस तरह से डिवाइड डिवीजन करने के बाद -4 को 2 से डिवीजन करने के बाद आपका आंसर -2 आएगा, मतलब द क्वोशेंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर। तो इस तरह से कुछ भाग मैंने आप लोग को बताया है, इसके आधार पर आप लोग को अगला आने वाला हमारा प्रश्न संग्रह है प्रैक्टिस सेट 1.9 हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसमें कुछ 10 एग्जांपल दिए गए हैं, उसमें से कुछ एग्जांपल मैं आप लोग को सॉल्व करके बताता हूँ, इस तरह से बाकी एग्जांपल आप लोग को होमवर्क रहेंगे वो आप लोग करके बताइए मुझे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रैक्टिस सेट 9। फर्स्ट एग्जांपल वी हैव सीन सॉल्व, एंड इन फर्स्ट एग्जांपल वी हैव रिटन हियर -96 डिवाइड 16 है ना, डिवाइड 16, ये एग्जांपल आप लोग को यहाँ पे दिया गया है बेटा, ब्रैकेट में -96 यहाँ पे बोला गया है, 96 को हम लोग को 16 से भाग देना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग को जैसे कि वैसे वो संख्या हम लोग को लिखनी है, -96/16=, इसको अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, -96/16। अब जैसे कि आप लोग को पता है कि 96 और 16 इनको हम लोग को भाग देना है, तो भाग देते समय बड़ी संख्या को हम लोग को छोटी संख्या से भाग देना है, पर -96 ये जो है वो ऊपर दी गई है और 16 नीचे दी गई है, तो हम लोग को माइनस साइन को एज इट इज जैसे कि वैसे ही रखना है और 96 को 16 से भाग देना है। तो 16 का पहाड़ा अगर हम लोग 6 तक बोलेंगे, 16 6 कितने होते बेटा 96, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 6 है ना। तो माइनस चिन्ह जैसे कि वैसे हमने रखा था तो वैसे कि वैसे ही हम लोग को रखना है ना। अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम लोग निगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं या पॉजिटिव को निगेटिव से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो भी आने वाला है वो माइनस साइन वाला यानी कि निगेटिव आंसर आएगा है ना। फिर हम लोग सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंड में 98/-28 हम लोग को करना है बेटा। तो सोल्यूशन में हम लोग को ये जो गणित है जैसे कि वैसे पहले लिख लेना है, इज इक्वल टू इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखेंगे 98/-28। अब हम लोग को पता है कि 98 और 28 कौन से पहाड़े में आता है, 14 के पहाड़े में आता है, तो 14 7 98 और डिवाइड 14 2 28, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह जैसे कि वैसे ही रहेगा। अब देखिए बेटा 14 और 14 हम लोगों ने कॉमन इसलिए लिया कि वो जो संख्या है वो आसानी से कट जाए है ना, तो कट जाने के बाद हम लोग को तुरंत उत्तर मिल जाएगा। यदि हम लोग अलग अलग कोई भी संख्या यहाँ पे लिख लेंगे तो वो कटेगी नहीं है ना, तो इसको अलग मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं, डिवाइड बाय टू करके, डिवाइड बाय टू करने के बाद हर एक नंबर को डिवाइड बाय टू करेंगे तो कुछ नंबर आएगा, उससे अच्छा हम लोग को पहाड़े याद है इसके 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 ऊपर मतलब डिपेंड करके हम लोग सिर्फ डायरेक्टली संख्या लिखेंगे, मतलब दोनों संख्या कोई ना कोई एक पहाड़े में आनी बहुत जरूरी है, वो पहाड़े में आने के बाद वो संख्या आसानी से कट जाती है और बची हुई संख्या उसका आंसर बन जाती है। तो देखिए जैसे बेटा यहाँ पे 7/14 और 14 कट गया तो 7 और -2 बचा, तो 7 और -2 को मैंने इस तरह से लिख लिया है, तो आपका आंसर 7/-2 यानी कि -7/2 ऑटोमेटिकली हो गया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि -7/2 भी 7/-2 हो सकता है या फिर 7/-2 ही -7/2 हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से उसको स्टैंडर्ड पैटर्न में हम लोग को लिख लेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं, -51/68। अब देखो इसको जैसे कि वैसे लिख लिए,
अब -51 को 68 से हम लोग को डिवाइड करना है ना। तो ये छोटी बड़ी संख्या है, पर हम लोग को उसका आंसर नहीं कैलकुलेट करना है, 0. समथिंग में ऐसा कुछ करना नहीं है, बस ये इंटीजर फॉर्म में, रैशनल नंबर फॉर्म में आना चाहिए, बस ये हमारा मेन एम है। तो यहाँ पे देखो बेटा, 17 के पहाड़े में 51 और 68 आता है, तो हमने क्या किया, 17 इंटू 3 किया, माइनस साइन जैसे कि वैसे रखा, और 17 इंटू 4 किया, यानी कि 17 फोर दा 68, 17 थ्री दा 51, है ना। तो इसके बाद ये 17 और 17 ऑटोमेटिकली कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारी संख्या बचेंगी -3/4। तो -3/4 इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग को इसको लिखना हुआ है, इसको सामने हल करने की कोई जरूरत नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल, 38 डिवाइड बाय -57, जैसे वैसे लिख लिया मैंने, 38/-57 लिख लिया। दोनों संख्या कौन से पारे में आती है, 19 के पारे में आती है, 19 टू द 38, 19 थ्री द -57, 19 थ्री द 57। अब 38 इज इक्वल टू 19 इंटू 2 हमने लिख लिया, डिवाइड साइन जैसे कि वैसे लिख लिया, -19 इंटू 3 लिखा है क्योंकि यहाँ पे -57 है ना, तो माइनस साइन जैसे कि वैसे, तो 57 यानी कि 19 इंटू 3। अब 19 और 19 कैंसिल होने के बाद कौन सी संख्या बची, 2/-3, और 2/-3 का ही मतलब होता है बेटा -2/3, दोनों एक ही संख्या है, थोड़ा सा अलग अलग लिखा हुआ है, माइनस साइन यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, उसको हमने न्यूमरेटर में बदल दिया। फिर हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग चलेंगे फिफ्थ एग्जांपल की तरफ, वो है हमारा -85/20, जैसे कि वैसे लिख लिया, इज इक्वल टू -85/20, इस पैटर्न में हम लोग को लिखना है। अब देखिए बेटा, 85 और 20 अगर हम लोगों को पहाड़े में ढूंढने की कोशिश करें हमने, तो वो पांच के पहाड़े में 85 तो आता नहीं है, 50 तक ही रुक जाता है। तो इसको और थोड़ा सा एलोबरेट करके अगर हम लोगों ने उसको सॉल्व करने की कोशिश की, तो यहाँ पे -85 का आंसर -17/5 होता है। वहां से डिवाइड करके देखिए, दोनों जगह पे 5 से भाग जाता है, तो यहाँ पे -17 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। तो इसको थोड़ा सा अलग पैटर्न में मैंने लिखा है, -17/5 लिखा और यहाँ पे 4/5 लिखा। तो देखो यहाँ पे 5 और 5 दोनों जगह से कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, तो यहाँ पे बचता है बेटा -17/4। ये हमारा फाइनल आंसर इसलिए होगा क्योंकि -17 को 4 से और सामने डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर पॉइंट में आएगा, ना कि उसका आंसर ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है ना। मतलब जैसे कि यहाँ पे आंसर -6 आ गया था, डायरेक्ट आंसर भाग जा रहा था, यहाँ पे डायरेक्ट भाग नहीं जाएगा, तो वो वैसे ही हम लोग उसको रखना है। तो आखिरी एग्जांपल हम लोग देखेंगे, 6 नंबर का -150/-25। अब देखो बेटा, माइनस साइन दोनों जगह पे है, मतलब निगेटिव इंटीजर को निगेटिव वैल्यू से ही, इंटीजर से ही हम लोग को डिवाइड करना है, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ये भी मैंने रूल ऑफ डिविजन में अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है। तो -150/-25 = इसको स्टैंडर्ड पैटर्न में हमने लिख लिया, -150/-25, 25 के पारे में दोनों वैल्यू आती है बेटा, तो 25 एकम 25 और 25 छम 150। अब देखिए 25 और 25 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों वैल्यू कैंसिल होने के बाद हम लोग को यहाँ पे मिलता है -6/-1 = माइनस साइन गेट कैंसिल, और हमारा आंसर होता है बेटा 6। अब बचे हुए हैं 4 एग्जांपल, आपके कॉपी में यहाँ पे दिए हुए हैं, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। ये आप लोगों को 4 एग्जांपल होमवर्क रहेंगे, ये होमवर्क आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे लिख कर फोटो लेकर सेंड करिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के एग्जांपल देखेंगे, 2 और 3 नंबर के एग्जांपल हम लोग इसके बाद देखने हैं, वो हम लोग देखेंगे जरूर, लेकिन तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, बाय।